डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मॉडल सेट का जो 1 से 19 नंबर तक क्वेश्चंस हैं उसको हम डील कर रहे हैं। अब आप स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन करोगे, सर 1 से 19 ही क्यों, आगे क्यों नहीं, जब 40 क्वेश्चंस हैं तो आगे क्यों नहीं। तो आपको जो मैंने 11th के नोट्स प्रोवाइड किए हैं बुक वाला, 19 के बाद 20 से बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो उसमें ज़्यादातर आप क्वेश्चंस देखोगे कि वही नोट्स में है। आप मॉडल सेट से मिलाओ, मॉडल सेट हम पीडीएफ के तौर पर भेज दे रहे हैं, आप उसको मिलाओगे सब आपको उसका जवाब मिलेगा, आपको इधर उधर परेशान होने। लेकिन एक टेक्निकल बात आपसे हम करना चाह रहे हैं, आपको जवाब आंसर्स जो है कितने के हैं, आपको आंसर्स 40 मार्क्स के देने हैं। 11th को कैरी ऑन करना है, कैरी ऑन यानी पास करना है, निकाल लेना है। तो आप जान लो 20-25 नंबर आपने अगर एग्जामिनेशन में कैरी कर लिया, दैट्स एनफ, और वो आप आराम से कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा यहाँ देख रहे हो कि एक पैसेज है, इस पैसेज से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सब तो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको पैसेज को या तो पढ़ लेना है, हम तो हमेशा से ये सलाह देते हैं कि पैसेज को पढ़ने में ज़्यादा समय मत जाया कीजिए। आप पहला क्वेश्चन सीधे पढ़िए और उसका जवाब पैसेज में ढूंढिए। लेकिन हम थोड़ा सा पैसेज को समझा दे रहे हैं। लिखा है, आप देख रहे हो, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, 1 से 5 इसी पैसेज से आपके क्वेश्चन हैं। तो क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन। रिन्यूएबल मतलब होता है जिसकी नवीकरण कर सकते हैं, यानी जो एनर्जी खत्म नहीं होती है, प्रतिदिन हम यूज करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने स्थान पर आ जाती है, जैसे सूरज की ऊर्जा या जल ऊर्जा, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन, यानी नवीकरणीय ऊर्जा का एक सिग्निफिकेंट, बहुत जबरदस्त अटेंशन यानी ध्यान खींचा है इन द रिसेंट ईयर्स एज ए वे टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड कम्बैट क्लाइमेट चेंजेस। यहाँ 2-3 वर्ड हैं कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये उसका एक जबरदस्त ध्यान खींचा है लोगों का, क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस मतलब कम कर सकता है हमारी निर्भरता को किस चीज़ पर, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल को हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवाश्म, जब उसकी संधि विच्छेद करोगे तो जीव जोड़ आश्म, यानी जीव का अवशेष, जो हमारे हजारों लाखों साल पहले अलग अलग घटनाओं के वजह से जंगल, मनुष्य, क्या कहते हैं, जानवर सब नीचे दब गए, चाहे वो भूकंप की वजह से हो, बाढ़ की वजह से हो, या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वो चले गए। अब वो जब लाखों सालों के बाद वो पेट्रोलियम के तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं, कोयले के तौर पर आ रहे हैं, उसी सब को हम लोग फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लेकिन इसको उपयोग करने से हमारे क्लाइमेट में, हमारे जलवायु में जबरदस्त असर हो रहा है, पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान पहुँच रहा है। सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। सोलर यानी सौर ऊर्जा, विंड हवा से, जो राजस्थान सब में देखिएगा कि बहुत पवन चक्की लगी हुई है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जल ऊर्जा, जियोथर्मल एंड बायोमास, ये सारे जो बायोमास जैसे गोबर गैस, ये सबसे जो ऊर्जा हम लोग पैदा करते हैं, इन सारे ऊर्जाओं से, पत्तियों सबको जमा करके जो ऊर्जा पैदा करते हैं, उससे हमें एक ज़बरदस्त एडवांटेज ये मिल रहा है, ज़बरदस्त फायदा ये मिल रहा है कि हमारी जो निर्भरता पुराने समय से जीवाश्म ईंधन पर था, यानी पेट्रोलियम, कोयला, ये सब पर था, वो धीरे धीरे हम कम करने पर, अभी भी देख रहे हो नरेंद्र मोदी साहब इस बार के टर्म में उन्होंने टारगेट ही रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे, ताकि हमारी निर्भरता जो है जीवाश्म ईंधन पर कम हो जाए। These sources are considered renewable because they can replenish naturally, unlike fossil fuels. इन सारे को हम लोग इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा करते हैं, वो अपने आप फिर से पूर्व रूप में आ जाते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल से फिर से, पेट्रोलियम आपने जला लिया वो खत्म हो गया, कोयला जला लिया वो खत्म हो गया, विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फेनाइट। यानी क्या कि जहाँ जीवाश्म ईंधन को बनने में मिलियंस ऑफ यानी कई एक लाख साल लग जाते हैं, और वो निश्चित वक्त तक में ही रहते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, ये नहीं मैंने अनिश्चित है कि जब तक यूज़ करो, ऐसा नहीं, एक सीमा तक में ही वो खत्म हो जाएगा।
वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पर्यावरण का मित्र है, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डू नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज विच कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज। उससे कोई कार्बन मोनोक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज पर भी इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कि गर्मी के समय सर्दी, सर्दी के समय अभी देखते हो कि कई दफ़ा मौसम उटपटांग हरकतें कर रही हैं, जब जो मौसम है उस समय वैसा ना होकर के कुछ और हमें फील होता है। गर्मी के दिनों में तो कभी कभी ठंड महसूस, या ठंडे के दिनों में लगातार बारिश होती रहती है। तो ये सारे जो बदलाव हैं ये दर्शाता है हमारे पर्यावरण में हमने ज़बरदस्त छेड़छाड़ कर दी। लेकिन अगर हमने सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, इन सारे एनर्जी का उपयोग किया तो धीरे धीरे जो प्रदूषण है हमारे प्रकृति में वो कम होगा। They also do not produce harmful air pollutants like sulfur dioxide or nitrogen। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण air pollutants की चर्चा की है उसमें एक है sulfur dioxide, एक है nitrogen oxides। इससे ज़बरदस्त हमें नुकसान होता है, हमारे अंदर का जो body के अंदर जो oxygen होता है उसको भी वो hamper कर देता है। तो अगर फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो आप इन दोनों गैसेस का, इन दोनों का प्रोडक्शन करते हैं। ये पॉल्यूटेंट्स है जो सीधे सांस के द्वारा हमारे बॉडी में आ जाता है। अनदर एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट कैन प्रोवाइड रिलायबल एंड स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बड़ा स्टेबल होता है, बड़ा स्थिर होता है, ऐसा नहीं कि आज है और कल ख़त्म हो जाएगा। हम जब चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं और बड़ा ही विश्वसनीय है, रिलायबल है। For example, hydroelectric plants can operate for long period of time without interaction and solar panels can generate electricity even on cloudy days। जैसे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत हम लोग पैदा करते हैं बिना कोई असुविधा का, बिना कोई तामझाम का, खूब आराम से हम लोग जल विद्युत पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लाउडी समय में भी, यानी जब आकाश में बादल छाए रहते हैं तब भी हमारा सोलर पैनल, ये नहीं कि जीरो पर आउट हो जाता है, वो काम करता है। Also, renewable energy sources are becoming more affordable as technology improves and economies of scales are achieved। धीरे धीरे हमने जैसे जैसे वैज्ञानिक योग्यताएं हासिल करनी शुरू कर दी हैं तो देखा जा रहा है कि जो पहले असुविधाएं होती थी इसके एप्लीकेशंस पर, यानी सोलर एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब में अब धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, हम आराम से उसका उपयोग कर पा रहे हैं। ये सुंदरता है, ये पैसेज इसी के बारे में चर्चा करता है। अब इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेस, गैस सोर्सेस, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब किस तरह के। तभी आपने एक पैसेज में सुना कि ये कैसे एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, फिर से नवीकरण, वो खत्म नहीं हो जाना है। अगला क्वेश्चन है, What take millions of years to form? यहाँ form का spelling थोड़ा सा recheck कर लीजिएगा, ये form होगा FR, ये from हो गया है FORM, form and are finite। कौन सा ऐसा तत्व है जिसको कि लाखों लाख साल, अभी हम पैसेज में समझा रहे थे कि फॉसिल फ्यूल्स जो है, जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम, कोयला, ये सबको बनने में लाखों साल लगता है और वो फेनाइट है। फेनाइट मतलब क्या, एक सीमा तक वो खत्म हो जाना है, अंत हो जाना है उसका। तो अब हम लोग इसका जवाब क्या लिखेंगे, फॉसिल फ्यूल्स, दूसरा का बी, यानी फिर से देखते हैं, व्हाट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म एंड आर फाइनाइट, जिसको लाखों साल बनने में लगता है और वो उसकी सीमा है, वो है फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें। उसके बाद है तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इसमें हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स में एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड था और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी कि डी, जिससे कि नुकसान होता है। चौथा है, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है,
यानी कि अगर सौर ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, जल ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं या वायु ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। दैट इट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, नहीं होगा क्लाइमेट चेंज फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है। इट लीड्स टू द डिप्लेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस, नहीं होगा। इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यह बड़ा ही पर्यावरण का मित्र है। कौन? रिन्यूएबल सोर्स, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा पैदा करते हैं या जल ऊर्जा पैदा करते हैं उससे पर्यावरण को जबरदस्त फायदा होता है। यानी इसका जवाब आपका क्या है? सी है। पांचवा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज जेनरेट फ्रॉम द, जेनरेट मतलब होता है पैदा करना, तो पैदा करना से मिलने जुलने मिलता जुलता वर्ड कौन है? प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन करना या पैदा करना। ये पांच क्वेश्चंस थे आपके पैसे से। उसके बाद छठा देखते हैं क्या है। एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड, एब्रिविएशंस क्या है जानते हो? जैसे कि कोई भी वर्ड को शॉर्ट करना, लेकिन यू हैव टू शॉर्टन द वर्ड बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट्स शॉर्ट फॉर्म एज वेल। आपको छोटा तो करना है लेकिन ये भी तय कर लेना है कि उसका जो छोटा फॉर्म हो वो भी आराम से समझ में आए। जैसे देखो हम लोग लिखते हैं नवंबर, एन ओ बी ई एम बी ई आर, नवंबर। जब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको एन ओ वी लिखेंगे, यहाँ बिंदु दे देंगे, इसको हम लोग एब्रिविएशन, इसको संक्षिप्ताक्षरी कहा जाता है, यानी शॉर्ट करना है, एन ओ वी, समझ रहे बात को? तो एन ओ वी नवंबर का हम लोग शॉर्ट। अब सोचो कि अगर नवंबर का शॉर्ट अगर हम एन ओ लिख करके दे दें बिंदु, तो किसी को समझ में आए उसका एक नंबर हो जाएगा, नवंबर नहीं होगा। यानी कि आप एब्रिविएशन करो लेकिन ये भी तय करना होगा जो उसका शॉर्ट फॉर्म हो वो लोगों को समझ में आ जाएगी, यही है। तो किस में हम लोग कहते हैं एब्रिविएशन, इस बार तो नोट मेकिंग हटा ही दिया है 12th में, तो ये नोट मेकिंग में किया जाता है एब्रिविएशन, पैसेज का एक रूप है नोट मेकिंग। अगला है द समरी ऑफ ए पैसेज कंटेंट्स, यानी अगर जब समरी लिखोगे, समरी मतलब होता है शॉर्ट रूप, यानी एक कहानी हो एक पैसेज हो उसका जब आप शॉर्ट रूप लिखते हो तो उसमें क्या रहता है, तो ग्लॉसरी नहीं रहेगी, ग्लॉसरी मतलब शब्दावली नहीं रहेगी, वर्ड मीनिंग नहीं रहेगा, फॉर्मेट नहीं रहेगा, मेन रहेगा मेन आइडिया। जब कोई कहानी, ऐसा सपोज करो आप सिनेमा देख करके आए और हम बोले कि वो फिल्म की कहानी सुनाओ, तो क्या करोगे? ढाई घंटे की फिल्म आपने देखी तो ढाई घंटा ले लोगे हमको सुनाने में, 10 मिनट में ही नहीं सुनाओगे, तो उसका जो मेन आइडिया है वही सब सुनाओ, उसी को कहते हैं समरी। तो समरी में हमें मेन मेन चीजें जो होती हैं उसको हमको देना होता है। आगे देखते हैं, हाउ वुड यू एड्रेस द रेसिपिएंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर, एज यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू देम विद होम वी हैव अ वेरी ऑफिशियल रिलेशनशिप। फॉर्मल लेटर जिसको हम लोग हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं उनको लिखा जाता है, जिससे हमारा पारिवारिक कोई संबंध नहीं होता, प्यारा कोई संबंध नहीं होता, केवल मतलब का संबंध। जैसे प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखो, किसी अखबार के संपादक को चिट्ठी लिखो, एसपी साहब, डीएस, डीसी साहब, इन सब को चिट्ठी लिखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर्स आर दोज इन विच वी राइट द लेटर टू होम हु आर वेरी क्लोज टू अस, विद होम वी हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल लेटर उनको लिखा जाता है जो हमारे बड़े नज़दीकी होते हैं, जिनसे हमारा बड़ा नज़दीकी संबंध होता है, इस तरह के लेटर को हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर अगर हम लिखते हैं तो उसका जो सैल्यूटेशन होता है ऊपर में जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डियर सर या मैडम, ना तो माय डियर लिखेंगे, ना रेवरेंड सर मैडम लिखेंगे, ना हेलो सर मैडम, क्या लिखेंगे? डियर सर और मैडम। अगला है, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, एडिटर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? संपादक। संपादक हेड होता है, बॉस होता है किसी अखबार का, तो अगर हम संपादक को लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से स्कूल कॉलेज और क्लब में तो लिखेंगे नहीं, किसको लिखेंगे? अखबार के संपादक को लिखा जाता है। तो लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। अगला देखते हैं, व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो तो उसमें क्या क्या नहीं होता है। रिपोर्ट राइटिंग क्लास तो ऐसे हमने शुरू कर ही दिया था, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दिया भी था, संजोग से बीच में एग्जामिनेशन आ गई है, तो अब हम लोग जैसे 12th शुरू करेंगे तैसे सारी चीज़ों को एकदम एक बार फिर से हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में पर्सनल कमेंट्स नहीं होगा,
डाटा का इंफॉर्मेशन बाय विटनेस ये रहेगा, पर्सनल कमेंट्स नहीं रहेगा, डाटा कलेक्शन नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, सॉरी ये सब नहीं रहेगा। इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, विटनेस मतलब होता है गवाह। अच्छा, अखबार जब पढ़ते हो तो उसमें कोई न्यूज आता है, सपोज करो कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो जो वहाँ एक्सीडेंट के समय मौजूद थे तो देखिएगा न्यूज में आएगा कि फला आदमी ने ये कहा कि उधर से ट्रक आ रही थी, इधर से बस आ रहा था, भिड़ंत आ गया, तो ये सब अखबारों में रहता है। तो विटनेस को हम लोग को लिखना पड़ता है। बारह है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। शुरुआत में ही आर्टिकल जब लिखेंगे तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, निष्कर्ष नहीं हो सकता, निष्कर्ष एकदम लास्ट में होता है। कॉन्सिक्वेंसेस यानी जिसको कहते हैं उसका परिणाम क्या होगा वो भी लास्ट में होगा। स्टैटिस्टिक्स आपको ये भी बीच में लिखना होता है, यानी कि जो मूल बातें हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, ये है ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त, यानी टॉपिक जो आप लिख रहे हो कोई आर्टिकल, सपोज करो कि आपको कोरोना के ऊपर लिखने के लिए आ गया, तो कोरोना का कैसे फैला हुआ, कहाँ से हुआ, इसके बारे में ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन शुरुआत में ही लिखना होता है। उसके बाद 13 नंबर है, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन्स इन आर्टिकल राइटिंग, कि आर्टिकल जब आप लिखते हो तो उसके कंक्लूजन में क्या क्या आपको लिखना है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, यानी लास्ट में क्या लिखना होता है, तो ये दोनों लिखना होता है। सुझाव भी देते हैं और रेमेडियल मेजर्स भी होता है। रेमेडियल मेजर्स मतलब सुझाव के साथ साथ आपको ये भी बताना होता है कि अगर इसका, जैसे सपोज करो एक आर्टिकल आपको लिखना है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग और दुरुपयोग क्या है, तो लास्ट में आप सुझाव दीजिए कि कैसे कम से कम छात्र कम से कम मात्रा में उसका उपयोग करें और साथ में कैसे उपयोग करें। अगर ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, दिन भर रील्स वगैरह देखते रहते हैं, तो उसका क्या रास्ता है जो कि उसकी इस डिपेंडेंसी को आप थोड़ा थोड़ा करके कम करते जाओ। तो यानी कि आपको सुझाव भी देना और साथ में रास्ता भी बताना है कि उसको कैसे क्या किया जाए। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, यानी बोथ ए एंड बी क्या है, सही है। ए एंड यानी कि डी सही है जवाब इसका। उसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्या है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड सेंटेंसेस। इसमें करेक्ट सेंटेंस चुनना है कि, और इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या है गड़बड़ा दिया है, तो उसको आपको सही करना है। आइलैंड इज द श्रीलंका इन एन इंडियन ओशियन, तो इसका सही जवाब बी है, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, सही जवाब ये है। यानी अगर आप सेंटेंस को अरेंज सही ढंग से करते हो तो ये सेंटेंस, ये वाला पार्ट सही है, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। उसके बाद अगला है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस। वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट इन वर्ल्ड द ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर, तो आप देखते हैं इसका सब्जेक्ट तो शेक्सपियर होगा, यानी कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, ए नंबर सही जवाब है। शेक्सपियर दुनिया के सबसे महानतम नाटककार हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर, ब्रेड एंड बटर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हिस्सा है, इसलिए कहते हैं ग्रामर जानना ही होता है, नहीं तो इसके बिना आप अधूरे रहते हो, कच्चे रह जाते हो। ब्रेड एंड बटर, कई दफा दो चीजें एक साथ मिलकर के वो समाहित होकर के एक बन जाती है, जैसे ब्रेड और बटर या दही और चूड़ा, ये जब आप उपयोग करते हो तो वो दो अलग है, यानी सुबह दही पी लिया और शाम में चूड़ा फांक लिया, जब भी आप उपयोग करते हो दोनों का क्या करते हो एक साथ हो, जैसे कि मछली भात, तो वो है तो दो लेकिन उसका उपयोग एक रूप में करते हैं, इसलिए उसको दो ना मान करके हम किसका क्या मानते हैं, सिंगुलर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का, ग्रामर का चैप्टर का हिस्सा है, तो इसलिए इसमें सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, इज होगा। अगला, I fail when I dash the road. अब इसका एक पार्ट देखो, I fail, fall मतलब होता है गिरना, अब fail उसका V2 रूप है यानी past में, तो narration में आप जानते हो कि जब एक पार्ट क्या हो past में हो, पहला पार्ट past में हो तो अगला पार्ट को भी आपको past ही करना होता है, तो इसमें past form कौन सा है, तो crossed, sorry
आई फेल, मैं गिर गया जब मैं क्या कर रहा था, सड़क पार कर रहा था। जब एक पार्ट पास्ट में है तो दूसरे पार्ट को आप कंटिन्यूअस, लेकिन किसके कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में जाओगे, तो इसका सही जवाब है ये, आई फेल व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड। अगला देखते हैं, यू डैश लीव नाउ इफ यू विश, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तुम जा सकते हो, लीव मतलब जाना छोड़ना, तुम जा सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है तो। अगर आप किसी को अनुमति देते हैं, जैसे कई दफ़ा आप लोगों को हमने क्लास में भी कहा यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो, तो जब अनुमति किसी को देते हैं तो नॉर्मली उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का। 19 नंबर देखेंगे, डैश यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हमने पढ़ा है, जो लोग 11th में पढ़ रहे थे शुरू से, कि जब हम किसी की ताकत क्षमता सामर्थ्य ये सब या तो पूछते हैं या उस बताते हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, तो उसी तरह यहाँ आपने किसी आदमी के सामर्थ्य को पूछा है, उसकी ताकत को पूछा है कि क्या तुम तैर सकते हो। तो जब ताकत क्षमता दर्शाते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। इसका सही जवाब है कैन। 20 नंबर क्वेश्चन आपके बुक से शुरू हो जाता है, जिसके लिए हमने नोट्स आपको दे ही दिया है, आप नोट्स को थोड़ा सा देखो। लेकिन 1 से 19 तरह के इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप ही समझाओ कि कौन आपको रोकेगा कि आप पास नहीं करोगे, आराम से सारी चीज़ें पास कर जाओगे। बुक्स की जो अवेबिलिटी कम से कम 11th में रहती है, वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए केवल होता है, आप उस पर डिपेंडेंट रह जाते हो। नतीजा ये होता है कि जो मूल है यानी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स है 11th का, वो ख़त्म हो जाता है और आप सही ढंग से तैयारी भी नहीं कर पाते हो। ये 19 नंबर जो लड़का सॉलिड मार देगा तो वो कहाँ फंसेगा, वो किस 40 नंबर का तो टोटल है ही, और 2-4-5 क्वेश्चन अगर बुक से भी दे दो। हम जब बोलते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल बात बोलते हैं, कई दफ़ा आप लोगों को लगता है ना कि सर ये नहीं बोले ये नहीं बोले, अभी कुछ कारण से हो सकता है तेज हो गए होंगे, क्योंकि एक सीमा तक ही आप लोग भी ज़्यादा देर तक वीडियो देख नहीं सकते हो, तो एक सीमा तक ही बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में हम समझाने पाए, क्लास में वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जैसे आपकी एग्जामिनेशन ख़त्म होती है 11th की, तैसे ही आकर के पहले नोट्स लो क्लास में ऑफिस से, और नोट्स ले करके, और अब जब आपको बुलाया जाएगा एक आध दो दिन के अंतर में तो बुला ही दिया जाएगा, ऑफिस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अपनी अपनी क्लास 12th की शुरू कर दें। और बार बार कर रहे हैं 12th के क्लास में आप डिले नहीं करेंगे, जितना डिले करोगे तो फिर ग्रामर नहीं होगा, खाली सिलेबस जैसे तैसे पूरा हो जाएगा। सिलेबस तो हमको 6 महीना में कहिएगा पूरा कर देंगे, लेकिन फिर प्योर मतलब इंग्लिश आप नहीं सीख सकोगे, विकलांग के विकलांग रह जाओगे, रट्टा मारना पड़ जाएगा, ग्रामर कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, इतना सही था। आप लोग इसको एक बार नहीं, दो बार तीन बार जितना हो इसको वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको याद रहे ये सब चीज़, ठीक है।